हेलो गाइज, रेलवे की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है और यह जो अपडेट है वह बहुत खुशी देने वाला है। तो आप लोगों को यह अपडेट को पूरी तरीके से देखना है और जानना है। तो यह देख रहे हैं आप लोग, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की ओर से आया है और यह जो अपडेट है वह सी EN03/2019 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट के लिए है। यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट ऑन द बेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यह जो है उसमें जो कैंडिडेट लोग के शॉर्टलिस्ट किया गया है स्किल टेस्ट में जो हुआ था उसको लेकर के है। तो यहाँ पे जो है एक एक करके मैं सारी चीज़ों को आप लोगों को बताता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट फ्रॉम 15/12/2020 यानी कि 15/12/2020 से लेकर के 18/12/2020 तक यानी दिसंबर महीने में जो एग्जाम हुआ था उसी को लेकर के यहाँ पे जो दिया गया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर द वेरियस पोस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएट कैटेगरी CEN03/2019 एंड ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड कैंडिडेट बियरिंग फॉलोइंग नंबर्स 15 डिजिट अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है रोल नंबर दिया गया है 15 डिजिट का, उसमें असेंडिंग ऑर्डर से दिया गया है, मेरिट के ऑर्डर पर नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टली हैज बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड इन अपीयरेंस ऑफ स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट कैटेगरी नंबर 1-2, ट्रांसलेशन कैटेगरी जो है 3 एंड परफॉर्मेंस टेस्ट स्किल जो है कैटेगरी नंबर 13 से 29 तक है। तो यहाँ पर है इसका जो हुआ था एग्जाम उसी को लेकर के है। आप देखते हैं यहाँ पर जो है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रो मार्क्स हैज नॉट बीन डन सिंस एग्जाम फॉर कंसर्ट कैटेगरी वाइज कंडक्ट इन सिंगल सीट ओनली। तो यहाँ पे जो है रो मार्क के आधार पर नहीं किया गया है, जो एक ही दिन उसका जो एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसी के लिए यहाँ पर है। इसके बाद में है आपका यहाँ रिजल्ट फॉर ऑल अदर नोटिफाइड पोस्ट व्हिच डू नॉट हैव स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिसका यहाँ पर स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन, परफॉर्मेंस टेस्ट जो नहीं हुआ था, नहीं है, उसके लिए जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा तब जाके उसका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा में यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट इन 10 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। तो यहाँ पे जो है जितना भी वैकेंसी दिया गया था उसमें से उसके 10 गुना को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है। एंड द परफॉर्मेंस टेस्ट स्किल टेस्ट इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस टेस्ट और जो स्किल टेस्ट वाला था उसमें से जितने भी वैकेंसी दिए गए थे उसके 2.5 गुना निकाला गया है और उसमें से भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसमें से 2.5 गुना निकाला गया है। तो ये भी है। इसके अलावा में आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ ए कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इज मोर देन वन कैटेगरी मोर देन वन शिफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन इज हर एबिलिटी एंड द पोस्ट प्रेफरेंस ही सी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड अकॉर्डिंग एज पर हर मेरिट इन दिस कैटेगरी। तो यहाँ पर जो है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वह एक से ज़्यादा कैटेगरी में अगर वो सिलेक्ट हुए हैं या फिर अपीयर हुए थे तो उसका जो है डिस्टिंक्शन जिस प्रकार से आएगा उसी हिसाब से उसका जो एलिजिबिलिटी है उसको देखा जाएगा और उसी हिसाब से उसको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसमें वह शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वह जिस कैटेगरी में मेरिट आएगा उसी में उसको यहाँ पर देखा जाएगा, बुलाया जाएगा, इस प्रकार का यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफी जो कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 है कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट हैविंग 50 क्वेश्चंस ईच। इसमें जो है 2 सब्जेक्ट में 50-50 नंबर के थे। दैट मार्क ऑफ इच सब्जेक्ट हैज बीन स्केल्ड ऑफ 50 मार्क्स एंड द टोटल मार्क्स हैव बीन स्केल्ड ऑफ 200 एज पर पारा इतना। तो यहाँ पर जो है वह टोटल 100 मार्क्स के है लेकिन अगर दोनों को मिलाते हैं तो उसमें से हम लोग को 200 नंबर के होता है। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन ईच और सब्जेक्ट सेपरेटली हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एंड द कट ऑफ इज बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑफ 200 फॉर द कैटेगरी नंबर 1 एंड 2। लेकिन कैटेगरी नंबर 1 और 2 के लिए जो है वो 200 नंबर पर जो है कटअप को सेट किया गया है, ये भी आपको यहाँ बताया गया है। इसके अलावा में कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर इंडिविजुअल रिजल्ट स्कोर कार्ड एंड द क्वेश्चन पेपर विद फाइनल आंसर की बाई लॉगिंग इन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑफ द पर्पज। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपना जो फाइनल रिजल्ट है स्कोर कार्ड जो है उसको आप लोग जो लिंक दिया जाएगा उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर लॉग करके लॉगिन करके देख सकते हैं। स्कोर कार्ड विल बी प्रोवाइड ओनली फॉर द कैटेगरीज फॉर विच रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग हैव बीन पब्लिश्ड। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 और 13 से 29 तक के लिए जो है कैटेगरी उसी को यहाँ पे दिखाया जाएगा और जो भी सिलेक्टेड हैं उन्हीं को यहाँ पे दिखाया जाएगा शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इसके अलावा में है यहाँ पर कैटेगरी नंबर जो है 4 से 12 और फिर 30 द स्कोर कार्ड एंड क्वेश्चन पेपर विल फाइनल आंसर की विल बी मेड अवेलेबल इन द कंसर्ट कैंडिडेट्स ऑफ द पब्लिशिंग द रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए जो है उन लोग के रिजल्ट बाद में प्रकाशित किया जाएगा जब उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर है ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स
विल बी इन्फॉर्म थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट, ईमेल, एसएमएस, इसके थ्रू से उन लोगों को बाद में शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। यह अभी आपको बताया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से या फिर एसएमएस या तो फिर ईमेल की मदद से आप लोगों को यह जानकारियाँ दी जाएगी, इन्फॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर है द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड ऑफ द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ये जो है सारी चीज़ें कैंसल एट द एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलती होती है, ये पूरी तरीके प्योर है, अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो यह कैंसिल भी कर सकता है। ये यहाँ पर इतना सारी चीज़ें बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में कहीं पर भी आपको कुछ गलती पाए जाने से आपका कैंडिडेचर जो है वह रद्द कर दिया जाता है। वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग फॉर द रिजल्ट, इसमें जो है जो बोर्ड की ओर से कहा गया कि बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके वेरी केयरली से केयरफुली इसको रिजल्ट जारी किया गया है, तो इसी कारण से यह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड देने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, बीवर ऑफ द थॉट्स, ये जो है यहाँ पे जो फॉल्स आदमी लोग है उसको किसी प्रकार से नहीं मिलना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और फिर देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा रोल नंबर फॉर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, स्टिचिंग टेस्ट इन अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टली जो है स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट जो कि कैटेगरी नंबर वन जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कैटेगरी नंबर वन जो कि जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में, वे आप लोग अपने रोल नंबर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और जितने भी शॉर्टलिस्ट किए गए उसमें है 174 यानी 174 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब कैटेगरी नंबर टू की बात करें जिसमें है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, वो ये था हिंदी का और ये अब इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो है कैटेगरी नंबर टू, यहाँ पर भी आप लोग अपना रोल नंबर को ढूंढ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाइड कर लिए हैं और जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, यहाँ पर भी आप लोग देखिए यहाँ पर इतने सारे रोल नंबर दिए गए हैं, जो भी कैंडिडेट्स पास किए शॉर्टलिस्ट किए गए वे आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ पर खोज सकते हैं। ये ज़्यादा है तो यहाँ पर है देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड 379 यानी 379 इंग्लिश वाला में बुलाया गया जबकि हिंदी वाले में बहुत कम है। अब इसके अलावा देखते हैं ट्रांसलेशन टेस्ट जो कि कैटेगरी नंबर थ्री है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, ट्रांसलेशन टेस्ट कैटेगरी नंबर थ्री है, इसमें भी आप अपना रोल नंबर को देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसमें है ग्रांट टोटल जो है 610 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 57, तो इसमें जो है 57 कैटेगरी नंबर थ्री में 57 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। ये जो है आज का डेट आप लोग देख सकते हैं 14/9/2021 को इन ऑफ द लिस्ट है और चेयरमैन आरआरबी चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ बोर्ड की जो है चेयरमैन उसी की तरफ से यह आया है। तो इसमें जो है जितने भी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है वे लोग अब तैयार रहेंगे क्योंकि रेलवे की ओर से थोड़ी सी जल्दी काम की जा रही है, तो हो सकता है बहुत जल्दी एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी कुछ ना कुछ